समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाली आईपीसी के सेक्शन 377 के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 17 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने सेक्शन 377 पर कोई स्टैंड नहीं लेते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि सेक्शन 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2009 में दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन साल 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सेक्शन 377 के तहत समलैंगिकता को फिर से अपराध की श्रेणी में रख दिया।